बनाई गई है। हम मार्केट में क्या, कोई मतलब नहीं है, आप लोग देख सकते। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, बहुत सारी पत्थरों को तोड़ दिया गया है और तमाम मूर्तियों को नष्ट किया गया है, लेकिन कुछ यहाँ पे कलाकृतियाँ भी हैं जो यूनिक कलाकृतियाँ हैं। आइए आपको, और आप लोग देख सकते हैं मंदिर के पूरे नीचे से लेकर के ऊपर तक कितनी बढ़िया से नक्काशी किया गया है। और यहाँ पे हर प्रकार के जो भी जितने भी आसन हैं सारे दिखाए गए हैं नक्काशी के माध्यम से। अभी हम लोग मंदिर परिसर के अंदर हैं, बाहर चल के आपको दिखाते हैं इसके पूरे दीवार पे जो नक्काशी किया गया है वो कितना अद्भुत है। आप देख सकते हैं पूरा, तमाम खंडित मूर्तियां भी आपको दिखाई दे। आप देख सकते हैं इस मंदिर के नीचे भी ये तमाम प्रकार की पत्थरों से मूर्तियां बनाई गई है। उन सारी चीज़ों को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। देखिए सारी मूर्तियों को तोड़ दिया गया है किस प्रकार से, आप देख रहे हैं। अभी खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तमाम प्रकार की कलाकृतियाँ दिखाया गया है। इतना बढ़िया पत्थरों पर नक्काशी किया गया है। और ये देखिए पूरा एकदम अद्भुत, खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर लक्ष्मण मंदिर है ये। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। और फाइनली अभी हम लोग मंदिर के पीछे फोटोग्राफी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। ये देखिए पूरा मंदिर का नज़ारा। तब सुधांशु जी कुछ बताइए मंदिर के बारे में, कैसा लगा आपको? मंदिर तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं बहुत ही बढ़िया। और रही बात इस मंदिर की, तो ये हमारे पूर्वजों से जुड़ी हुई है। सियावस बहुत बढ़िया, हम भी चंदेल वंश से हैं और जो राजा थे वो भी चंदेल राजपूत। बहुत बढ़िया कुलदीप जी, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, मंदिर पहली बार देख रहे हैं, खजुराहो में आए, काफी अच्छा लगा यहाँ पे। चला जाए, हम लोग को अब आगे चलना है। और आप देख रहे हैं हम खजुराहो में अभी लक्ष्मण मंदिर के जो बाहर दृश्य हैं उसको आप तक दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। और ये देखिए तमाम प्रकार के यहाँ पे आसन आपको दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं पूरे पत्थरों की नक्काशी करके यहाँ पे।
अंदर महादेव जी का बड़ा सा भव्य टेम्पल है, उसको भी हम दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ की एक परंपरा है, पहले बाहर की सारी दीवारों को देखना होता है, परिक्रमा करने के बाद आप